रविवार को कलेक्टोरेट कार्यालय के सभा कक्ष में कलेक्टर होशंगाबाद श्री धनंजय सिंह की अध्यक्षता में डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विधायक होशंगाबाद डॉक्टर सीतासरण शर्मा, विधायक सिवनी मालवा श्री प्रेम शंकर वर्मा, विधायक सुहागपुर श्री विजयपाल सिंह, श्रीमती माया नारोलिया, श्री मनोहर बहानी, पुलिस अधीक्षक श्री संतोष सिंह गौड़, जिला पंचायत सीईओ श्री मनोज सरियाम सहित अन्य अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। बैठक में कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु शासन द्वारा जारी गाइडलाइन पर विस्तृत विचार विमर्श कर निर्णय लिए गए। होशंगाबाद जिले में प्रत्येक रविवार जनता कर्फ्यू रहेगा। जनता कर्फ्यू शनिवार रात्रि 10 बजे से सोमवार प्रातः 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। जिले में प्रतिदिन रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू रहेगा। ये निर्णय डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप होशंगाबाद द्वारा लिए गए। डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप द्वारा निर्णय लिया गया कि जिले में 15 जून तक प्रत्येक शनिवार और रविवार जनता कर्फ्यू लगाए जाने के लिए प्रस्ताव स्वीकृति हेतु शासन को भेजा जाएगा। बैठक में विधायक डॉक्टर शर्मा द्वारा गैस एजेंसी, पेट्रोल पंप, मेडिकल स्टोर्स आदि में कार्य करने वाले कर्मियों को प्राथमिकता से टीकाकरण किए जाने का सुझाव दिया गया। विधायक सिवनी मालवा ने तीसरी लहर के लिए समुचित पूर्व तैयारियां सुनिश्चित करने का सुझाव दिया। विधायक सुहागपुर श्री विजयपाल सिंह ने सुझाव दिया कि थोक सब्जी मंडियों में अधिक भीड़ होने की वजह से कोरोना संक्रमण की आशंका के दृष्टिगत मंडी का स्थान अत्र नियत किया जाए। गृह विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों एवं डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप द्वारा निर्णय लिया गया कि जिले में समस्त निजी कार्यालय 100% की उपस्थिति के साथ खोले जा सकेंगे। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समस्त सिविल निर्माण कार्य किए जाएंगे। समस्त रेस्टोरेंट एवं भोजनालय कुल कैपेसिटी के 50% की उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे। समस्त लॉजिंग होटल रिजोर्ट केवल आगंतुकों के लिए खुल सकेंगे। लॉज होटल रिजोर्ट रेस्टोरेंट में बैठने की कैपेसिटी के 50% की उपस्थिति के साथ खुल सकेंगे।